हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है उस वीडियो में, तो आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा चुका है, खासतौर से रेलवे ग्रुप डी के लिए, NTPC के लिए और रेलवे LP और टेक्निशियन में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद करिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। राजस्थान में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है दोस्तों, बताइए। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो भारत के किस राज्य में पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोवा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। गोवा में पेट्रोल जो होता है बहुत सस्ता मिलता है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सूर्य की, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों, बताइए। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात की जो समुद्र तट रेखा है ना बहुत बड़ी लंबी, सबसे लंबी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट होगा, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, बताइए। भारत के प्रथम आदिवासी महिला कौन है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आपको पता होगा कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीला सेठ था, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, लीला सेठ सर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन थी, महिला रेल मंत्री? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन मथाई, ठीक है। जॉन मथाई जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कौन थे रहेगा, यहाँ पर थी हो गया दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्मुख चट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों मीरा कुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो मीरा कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों, बताइए।
भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे बताइए। तो उसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी दोस्तों बताइए। भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी दोस्तों बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर हो जाएगा शीला शीला तावरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी दोस्तों बताइए। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी दोस्तों बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला ठकराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सरला ठकराल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा दोस्तों बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।